एक पादरी जी थे। पादरी जी नित दिन मंच पर प्रवचन देते थे, ये दुनिया के लोग भगवान पर विश्वास करो और पुण्य कर्म करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारे जीवन में सुख शांति आ जाएगी, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। चलता रहा प्रवचन अनवरत गति से। दो चार छह महीना के बाद एक पारसी संत गए और पादरी से कहते हैं, पादरी जी छह महीना से आपका प्रवचन में सुन रहा हूं, दो बात पर आप अधिक बल देते हो, भगवान पर विश्वास करो और पुण्य कर्म करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारे जीवन में सुख शांति आ जाएगी। आज मैं वही दोनों बात समझने आया हूं आपके यहां। पादरी कहा बोलिए। कहा जो भगवान पर विश्वास करे, रात दिन भगवान की पूजा करे और वो कर्म बढ़िया न करे, उसकी क्या गति होगी? और जो भगवान पर विश्वास न करे, अपने कर्म पर विश्वास करे, कर्म बढ़िया करे और मंदिर न जाए, उसकी क्या गति होगी? पादरी चुप हो गया। का इसका अर्थ मैं नहीं जानता हूं। कहा तू ही प्रवचन करते हो, आपने बोले हुए बात का जवाब नहीं जानते हो, तो अब तुम्हारा प्रवचन क्यों होगा? खबरदार, कल से तुम्हारा प्रवचन बंद है। पादरी जी को बड़ा कष्ट हुआ। कहा एक काम करो, दो दिन का छुट्टी हमको दे दो, बूझ विचार के मैं जवाब दे दूंगा। कबीरपंथी साधु कहे ठीक है, मैं आपको दो दिन या पांच दिन का छुट्टी दे रहा हूं, जाइए। पादरी जी अपने घर गए और नित प्रतिदिन शाम में भोजन करके और विश्राम के लिए बिछावन पर जाते थे और जवाब के लिए चिंतन करते थे। चिंतन करते करते 11 12 बज गया रात, जवाब कुछ आया नहीं, निद्रा आई और पादरी जी सो गए। चार रात का समय बीत गया, कोई जवाब नहीं मिला। आज अंतिम पांचवा रात है, पादरी जी बहुत दुखी हैं, बहुत चिंतन में। कल वो साधु पूछेगा जवाब और जवाब अभी तक कुछ आया नहीं, मैं क्या जवाब दूंगा? आज चिंतन करते करते दो अढ़ाई तीन बज गया भोर, लेकिन कोई जवाब आया नहीं। निद्रा आई, पादरी जी सोए और सपना देखने लगे। सपना में पादरी जी की मृत्यु हो गई। ये दृष्टांत है, इसको सिद्धांत आप लोग मत समझिए। पादरी जी की मृत्यु हो गई और मृत्यु हुई तो जमराज महोदय आ गए और पादरी जी को कहा, पादरी जी अब आपका समय पूरा हुआ, अब आप तैयार हो जाइए चलने के लिए। तो पादरी जमराज से पूछा, हमको कहां ले चलिएगा? तो जमराज कहा, आपको मैं स्वर्ग ले चलूंगा। बड़ा खुश हो गए पादरी जी, वाह तब तो ठीक है, एक काम कीजिए 10 मिनट में आप आ जाइए और तब तक मैं तैयार हो जाता हूँ चलने के लिए। कहा ठीक है। 10 मिनट के बाद आ गए जमराज। पादरी जी तैयार है? कहा तैयार तो है, लेकिन एक बात आपसे और पूछना है। कहा जल्दी पूछिए। कहा स्वर्ग की विशेषता हमको कुछ बताइए आप। जमराज ने कहा, स्वर्ग की विशेषता है, स्वर्ग में कभी सूर्यास्त नहीं होता है, रात्रि होती नहीं है, 2400 घंटा दिन रहता है स्वर्ग में। स्वर्ग के लोग झोपड़ी मरैया खपरा फूस एस्बेस्टस टीन के चदरा के घर में नहीं रहते, वो 10-20 महल के एयर कंडीशन मकान में रहते। स्वर्ग के लोग भात रोटी जनेरा मरुआ के रोटी अलुआ सुतनी ये सब नहीं खाते हैं, वो पेड़ा रसगुल्ला काजू किशमिश बादाम खाते हैं। स्वर्ग में
कहीं सेवरी मीरा अनुसुईया का भजन होता है तो स्वर्ग में कहीं बुद्ध महावीर कबीर का प्रवचन होता है। स्वर्ग में कहीं सुंदर सुंदर फूल के बगीचे मिलेंगे तो कहीं सुंदर सुंदर फल के बगीचे मिलेंगे। ये स्वर्ग की विशेषता है। पादरी जी तो गदगद हो गए। कहा आप चलिए, दोनों जा रहे हैं स्वर्ग और स्वर्ग के निकट पहुंचते हैं तो रात अंधेरी है। चारों तरफ झोपड़ी मरैया टीन के चदरा का घर है। सब लोग अलुआ सुथनी जनेरा मरुआ के रोटी नमक मिर्चाई लेके झक मार रहे हैं। कहीं सेवरी मीरा अनुसुईया का भजन नहीं है, कहीं बुद्ध महावीर सदगुरु कबीर का प्रवचन नहीं है, न कहीं सुंदर फूल के बगीचे हैं, न कहीं सुंदर फल के बगीचे हैं। पादरी कहा जमराज से कितना आप झूठ बोलते हो। कहा स्वर्ग ले चलेंगे, स्वर्ग की ये विशेषता है, ये तो नरक से भी बदतर है आपका स्वर्ग। कहा पादरी जमराज से ठीक है, आपका स्वर्ग मैं देख लिया, अब मुझको नरक दिखा दीजिए। जमराज कहा नरक देखोगे क्या? कहा जी चलो। जब नरक की ओर गए चारों तरफ प्रकाश है, दीन है और चारों तरफ सेवरी मीरा अनुसुईया का भजन चल रहा है, चारों तरफ बुद्ध महावीर सदगुरु कबीर का प्रवचन चल रहा है, चारों तरफ एयर कंडीशन मकान झलक रहे हैं, सब लोग पेड़ा रसगुल्ला काजू किशमिश खा रहे हैं, सुंदर सुंदर फल के बगीचे, सुंदर सुंदर फूल के बगीचे चारों तरफ लगे हैं। पादरी ने जमराज से पूछा, कितना झूठ बोलते हो आप? जिसको आपने स्वर्ग कहा था वो स्वर्ग नरक से बदतर है, और जिसको आपने नरक कहा वो स्वर्ग से बढ़कर है, ऐसा क्यों? अब जमराज जवाब दे रहा है पादरी को, ए पादरी, तुम्हारे जैसे लोग जो केवल भगवान पर विश्वास किया है, रात दिन भगवान का पूजा किया है, लेकिन वो व्यक्ति कर्म बनिया नहीं किया, ऐसे भगवानवादी लोग आकर के इस स्वर्ग को नरक बना के छोड़ दिया। भगवानवादी लोग आकर स्वर्ग को नरक बना दिया और बुद्ध के जैसे लोग, कबीर के जैसे लोग, लाओत्जे के जैसे लोग, प्लेटो के जैसे लोग, सुकरात के जैसे लोग, रजनीश के जैसे लोग, जो अपने कर्म का भरोसा किया है, भगवान का भरोसा छोड़ दिया, वे सारे लोग आकर इस नरक को स्वर्ग बनाया है। राम बोलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संघ में सो बैकुंठ न होए। जिस दिन मनुष्य का कर्म केवल ठीक हो जाए तो स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं है, स्वर्ग उतर के आपके निकट आएगा। साहब कबीर पूछते हैं किसका भजन किया जाए? ये सारा सारी दुनिया राग द्वेष की अग्नि में जल रही है। आपने सुना था ना संत जरनैल सिंह भिंडरवाला की कहानी, अमृतसर स्वर्ण मंदिर में क्या रखा था? वो बम पिस्तौल का चकीरा रखा था।